कहना है कि आदमी ये जो तोता है वो तोता बाहर आ गया है, और निश्चित रूप से ये क्योंकि राफेल पे एक रिपोर्ट सौंपी जानी थी सुप्रीम कोर्ट को, उसको लेकर आलोक वर्मा को हटाया गया है, क्या आपको लगता ये है? सब चुनावी बात है। ये लोग को कोई रास्ता नहीं लग रहा है, इन्हें लग रहा है इनके गठबंधन हो नहीं रहे हैं, इनका बात बन नहीं रही है, तो मोदी जी के खिलाफ ये लोग अपना हर प्रकार का झूठा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को इस बात की कोई चिंता नहीं, जो हुआ है देखिए बिल्कुल नियमवत हुआ है। और अगर मान लीजिए दो अधिकारी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने ब्राइब लिया है या इन्होंने घूस लिया है और उनके आपस में उस पर जाँच होनी है, तो अगर व्यक्ति के खिलाफ जाँच हो रही है वो अपनी कुर्सी में बैठा रहेगा तो जांच कैसे होगी? तो सीबीसी को जांच करनी है। और उन लोगों को कुछ समय के लिए कहा गया कि भैया आप अवकाश में चले जाइए, और एक आदमी को ऑफिशिएटिंग बना दिया गया। अभी चुनाव नहीं होता तो कुछ नहीं होता, अब चुनाव है तो इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन बहुत पारदर्शी सरकार है, और जितनी बातें जो एक एक बात राफेल के संदर्भ में पार्टी के पक्ष से सरकार की ओर से समक्ष रख दिया गया है, अब उसमें बार बार रिलायंस का नाम आता है। 30,000 करोड़ में 40 में कुल 3,000 करोड़ का काम तो उसको मिला है, बाकी तो सब 10,000 करोड़ तो सरकारी कंपनी के पास है, DRDO के पास है। इस तरह से कह देना सीधे तो ये तो चुनावी बात है, इस पर बिल्कुल हम लोगों को कोई हंसी आती है कि कैसे कोई मुद्दा नहीं है तो इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है।